खबर गाजीपुर से जखनिया तहसील अंतर्गत ग्राम सभा रामपुर बालभद्र के बाजार में एक ऐसे वैद्य हैं जिनके यहाँ बवासीर चर्मरोग के लिए दूरदराज से मरीज जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। वैद्य ने बताया, हम इस दवा को अपने हाथों से बनाते हैं और दवा की कास्ट भी ज्यादा नहीं है। दूसरे प्रांत के लोग भी आकर के दवा लेकर जाते हैं और जल्द ठीक हो जाते हैं। साथ ही दवा का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। यहाँ तक हमारे यहाँ ऑपरेशन वाले मरीज भी आते हैं और बहुत ही जल्द ठीक होकर जाते हैं। हमारी डिस्पेंसरी सोमवार से शुक्रवार तक 8 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक खुली रहती है। वहीं पर बैठे एक मरीज से बात करने पर बताया, मेरा घर वाराणसी चौबेपुर है और मैं हर जगह से दवा करते करते थक गया था, लेकिन कहीं से भी दवा का रिस्पॉन्स सही नहीं निकला। यहाँ आकर और एक फाइल दवा लेने के बाद आराम हो गया है। वैद्य जी को धन्यवाद देता हूँ जिनकी दवा से हमें नई जिंदगी मिली। वहीं पर मऊ के रहने वाले सुदामा राम से बात की करने पर बताया कि मेरे लिए तो भगवान वैद्य जी हैं, जिनके प्रयासों से आज मैं सही हूँ। इसी तरह मंजू देवी मुड़ियारी की रहने वाली ने बताया कि मैं बहुत दिनों से परेशान थी, हर जगह दवा करके थक चुकी थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैं अपने आप को बहुत ही आराम महसूस कर रही हूँ। काफी चर्चा सुन पत्रकारों की एक टीम वैद्य डी के मौर्य की डिस्पेंसरी पर पहुंची और उनसे पूछा तो वैद्य डी के मौर्य ने बताया, यह गारंटी दवाएं या रामबाण की तरह काम करती है, यह दवा कई प्रदेश के लोगों तक जाती है। आगे वैद्य डी के मौर्य ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। मैं हूं सुरेश सेन पांडे, मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर के तहसील जखनिया और बाजार यहाँ पे पड़ता है रामपुर बलभद्र। मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। यहाँ पे बहुत ही चर्चित नाम हमने सुना था कि एक वैद्य जी हैं, आज मैं उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आया हूँ और उन्हीं के सामने बैठा हूँ। आइए उनसे कुछ बातों कान से आपको दिखाता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मैं डी के मौर्य जी, रामपुर बलभद्र जखनिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश। वैद्य जी, आपकी दवा का कितना कारगर है इस समय, कुछ बताइएगा। दवा सर हमारी आयुर्वेद द्वारा बनाई जाती है, जो 100% कारगर है और सुरक्षित है। सर, आपके पास ऑपरेशन वाले भी मरीज आते हैं क्या? सर, हमारे यहाँ जो अकंदर का ऑपरेशन करवा चुके थे वो भी मरीज आए और पूरी तरह से ठीक हैं और आज भी धन्यवाद दे रहे हैं और आज भी दवा मंगवा रहे हैं। सर, आपकी दवा क्या बाहर भी जाती है, कहाँ कहाँ जाती है, कुछ बताइएगा। हमारी दवा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कुरियर के माध्यम से भेजी जाती है। यहाँ तक कि लोग सऊदी दुबई भी हाथों हाथ हमारी दवा मंगवाए हैं, जो आज भी ठीक है और धन्यवाद दे रहे हैं। जी, आपका दवा का कास्ट क्या है सर, कुछ बताइए। दवा का कास्ट हमारे मात्र 300 रुपये है। अच्छा, 300 रुपये में आपकी दवा मिलती है। जी जी, और आपकी ये दवा जो है खाने वाली है, लगाने वाली है, किस तरह की? हमारी दवा जो है खाने वाली है और लगाने वाली। सर, केवल दवा हमारी लगाने वाली है, क्योंकि टिकिया टैबलेट तो बहुत खाए लेकिन किसी को रिस्पांस न मिला, इसके बाद हमारे यहाँ है, लगाने से ही 100% पूरी तरह से मरीज ठीक हो जाते हैं। इस तरह से आप देख रहे थे, मैं जो है वैद्य डी के मौर्य के पास उपस्थित हूँ और इन्होंने अपनी दवा का कास्ट और किस तरह से जो है दवा कारगर होती है उसको, दवा के विषय में कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ सर, दवा जो हमारी यदि खूनी बवासीर है एक फाइल में जड़ से समाप्त कर देती है। यदि मत्स्य दाने या उसमें ज़्यादा परेशानी मन में मत्स्य दाने निकल गए हैं तो 1 से 4 फाइल में पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर